हेलो फ्रेंड्स, टैली 28 क्रिएट स्टॉक आइटम्स हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर अंडर स्टेबलाइजर। इस अध्याय में हम लोग एक स्टॉक आइटम्स बनाते हैं हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर अंडर स्टेबलाइजर। जो स्टेबलाइजर हम खरीद के लाए हैं उसका नाम है हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर। तो इसका एक स्टॉक आइटम्स नामक एक लेजर क्रिएट करते हैं और यह हमारा स्टॉक आइटम्स बनेगा किसमें, स्टेबलाइजर नामक ग्रुप में। तो ये हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर हमारे को खरीद बिक्री का आइटम है, परचेज सेल का आइटम्स है। तो ये इसकी कार्य किसमें होगी, इन्वेंट्री इन्फो में। पूर्व के अध्याय में हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप स्टेबलाइजर और यूनिट ऑफ मेजर नंबर बना लिए हैं। अब हम लोग स्टॉक आइटम्स बनाने जा रहे हैं हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर। इसे बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली का इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस करते ही हम लोगों का इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन खुल गया। यहाँ डाउन एरो से स्टॉक आइटम्स में आएंगे और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करते ही स्टॉक आइटम्स का ऑप्शन खुल गया और यहाँ क्रिएट बटन पर इंटर बटन प्रेस करते हैं। सिंगल स्टॉक आइटम के क्रिएट बटन पर इंटर बटन प्रेस किया। इंटर बटन प्रेस करते ही स्टॉक आइटम क्रिएशन का फॉर्म खुल गया। आइए सबसे पहले हम अपने आइटम्स का नेम टाइप करते हैं, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर्स, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर। अब कीबोर्ड से इंटर प्रेस किए, एलियास में कुछ नहीं लिखते हैं। अंडर, अंडर यह प्राइमरी नहीं होगा, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स जो हमारा राइट साइड में खुला हुआ है इसमें से डाउन एरो क्लिक करके स्टेबलाइजर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटर बटन प्रेस किए, हमारा स्टेबलाइजर्स अंडर हो गया। अब यूनिट्स ऑफ मेजर में, यूनिट्स में से हम लोग नंबर को सेलेक्ट करते हैं डाउन एरो से। डाउन एरो क्लिक किए, नंबर्स हमारा सेलेक्ट हो गया। इंटर बटन प्रेस करते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी हमारे को कुछ भी नहीं लग रहा है, इसे छोड़ देते हैं ब्लैंक। रेट ऑफ वैट, इस आइटम पर गवर्नमेंट 12.5% का टैक्स ले रही है, तो यहाँ 12.5 हम लोग टाइप कर दिए। परसेंटेज ऑलरेडी फॉर्मूला में ऐड है तो सिर्फ हमें 12.5 लिखना है। 12.5 लिख दिए, 12.5% वैट हो गया। इंटर बटन प्रेस करते हैं, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं देते हैं और इंटर बटन प्रेस करते ही एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया। इसे एक्सेप्ट करने के लिए पुनः इंटर प्रेस किए, हमारे को स्टॉक आइटम क्रिएशन का ब्लैंक फॉर्म आ गया जो दर्शा रहा है कि हमारा हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर आइटम्स बन गया। अब इससे बाहर निकलने के लिए कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाएं, एस्केप दबाएं और एस्केप दबाएं। इस प्रकार से हमने स्टॉक आइटम हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर बनाया। इसी आइटम्स को बनाने के लिए हम लोगों ने टैली 26 और टैली 27 में स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर को बनाया। पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे, तत्पश्चात स्टॉक आइटम्स का निर्माण किया जाता है टैली में।